guys. I'm just loving this. It's so beautiful. It's so amazing. मैनचेस्टर की एक खास बात है कि इट हैज ब्यूटीफुल कंट्री साइड ऑल अराउंड मैनचेस्टर. तो हमने कई कंट्री साइड ऑलरेडी कवर किया है, बट एट दैट टाइम हम व्लॉगिंग नहीं कर रहे थे. बट आज हम डेफिनेटली व्लॉगिंग कर रहे हैं. अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको बताएंगे कि हाउ वाज इट. एंड कंट्री साइड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू नो द सिटी सेंटर्स. सिटी से थोड़ा अलग हट करके जो जगह होती है, विच इज नॉट एज फास्ट एज सिटी, बट इट्स लाइक वेरी स्लो, स्मूथ. यू कैन नॉट से इट्स अ विलेज, बट आई थिंक क्योंकि यहाँ की कंट्री साइड भी बहुत डेवलप है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे शॉपिंग सेंटर्स भी हैं, अच्छे स्ट्रीट मार्केट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो उसको हम विलेज नहीं बोल सकते यहाँ का. इट्स लाइक इट्स जस्ट स्लो लाइफ. स्लो लाइफ आई वुड से. स्लो लाइफ है, लोग एंजॉय करते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है. जो कंट्री साइड में रहते हैं ना, उनको लंदन या उनको फास्ट पेस सिटीज एकदम पसंद नहीं है. और यहाँ पे मोस्टली आपको जो कंट्री साइड में दिखेंगे वो लोग दिखेंगे जो काफी रिच हैं, रिटायर हो चुके हैं, एल्डर्स हैं, यू नो, दे वांट दिस लाइफ, दे जस्ट वांट टू यू नो काइंड ऑफ एंजॉय देयर. आज हम वो कंट्री साइड एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे आपको. वहाँ पे एक हिल है, यहाँ पे वहाँ पे एक्चुअली हाइकिंग होती है, उसका नाम है हॉलकॉम्ब हिल. हमारे मैनचेस्टर से ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की दूर पे है. तो हम वहाँ पे जाएंगे. वेदर बहुत ही डाइसी सा है, मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वेदर जो है, अभी कल तक इतना सनी था एंड देख लो आप वेदर देख, ऑल ऑफ अ सडन इट्स सो क्लाउडी एंड विंडी और फिर से ठंड हो गई है, तो फिर से स्वेटर हमारे वापस आ गए. यहाँ पे यूके में सबसे एक प्रॉब्लम है कि वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी सनशाइन हो जाता है. तो आज थोड़ा सा ठंडा हो रहा है. और गाइस हम लोग निकलते हैं और अब आपको दिखाते हैं कि हम क्या एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. सो सी यू गाइस अगेन. ये देखो इनको लगी थी भूख तो आ गई है ग्रेक्स पे. और ये पिक डाल यार. चलो लेट्स ईट इट देन. तो अब हम शुरू कर रहे हैं. यहाँ पे ये मूर बॉटम रोड दिख रही है, यहाँ से जाएंगे और ऊपर हॉलकॉम्ब हिल पे हाइक करेंगे जाके. बहुत प्यारा वेदर है, आई मीन बहुत सीनिक है. ऑफ कोर्स जहाँ पे इतना लश ग्रीन है तो. और ये रास्ता, ये वादियाँ कहाँ ले जाती हुई. और अब हम लोग आ गए हैं एकदम पास में पील टावर के, जो कि हॉलकॉम्ब हिल पे बना हुआ है. 1852 में ये बिल्ट हुआ था टावर, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं. और ये बनाया गया है ट्रिब्यूट में मिस्टर रॉबर्ट पील के, जो कि पुलिस फोर्स के फाउंडर रहे हैं यहाँ पे ब्रिटेन में. और उनके याद में, उनकी मेमोरी में ये पील टावर बनाया गया था. और आप देख रहे हो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अमेजिंग है. और हम हाइक शुरू कर चुके हैं अपनी. इट्स 1100 फीट, करेक्ट. राधिका मजा आ रही है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है. आई मीन यहाँ हमें पहुंचना है, ये है पील टावर हॉलकॉम्ब हिल पे. तो ऑलमोस्ट आ ही गए हम लोग. आई थिंक बस 10 मिनट और अगले 10 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे ऊपर. प्यारा नजारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है. ये देखो आप, मतलब ऐसा कंट्री साइड मैंने आज तक कभी नहीं देखा. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. राधिका आओ, क्या हुआ? जो मैं दिखाता हूँ, सारी पवन चक्कियां दिख रही हैं आपको. और ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना,
ये सारे घर हैं सबके, बहुत सिस्टमेटिक प्लान किया है, मतलब जो भी स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, और इन लोगों का आर्किटेक्चर तो बहुत फेमस होता है। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है। For today, guys, this is where we are standing. Here is Ramps Bottom Station, and yeah, the East Lank Railways are very popular. So probably sometime we will cover East Lank Railway also. And we just got to know that वहाँ पर dining services होती हैं. And since we are very fond of travel and food. तो डेफिनेटली उसको कवर करना तो डेफिनेटली बनता है. वो सबसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा हमारा जब हम उस इंजन में स्टीम इंजन की ट्रेन में बैठेंगे एंड वी विल हैव सम गुड फूड इन द ट्रेन. सो इट विल बी अ गुड वन. दिस इज इट फॉर टुडे. होप यू लाइक्ड आवर ब्लॉग. थैंक यू सो मच फॉर शोइंग. थैंक यू गाइस. आई होप यू ऑल लाइक्ड इट. आई होप यू ऑल लव द ब्लॉग. एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम फूड हियर एट क्यूट रेस्टोरेंट दैट यू कैन सी द रेलवे. Let's see what we're gonna eat there. English food. Yeah. So see you next time in our next vlog. All right, guys. Thank Take you. Care of yourself. Bye-bye. Bye. See you soon. Bye-bye.